नमस्कार दोस्तों, एम्पियन अकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 15 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, यदि आपने एम्पियन अकेडमी का टेलीग्राम का पब्लिक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एम्पियन अकेडमी, इस प्रकार से लोगो आपको दिख जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए उसे। क्या क्या आपको मिलेगा वहाँ पर? इम्पॉर्टेंट अपडेट्स और न्यूज़ मिलेगी बीपीएससी एग्जाम से संबंधित, प्री प्लानिंग और स्ट्रेटजी की पीडीएफ मिलेगी आपको इस टेलीग्राम पेज पर। टॉपर के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं एम्पियन अकेडमी ऐप के जो टेस्ट सीरीज होते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के, और एम्पियन अकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? विच कंट्री हैज बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल डेटा ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 7.65% बढ़कर 128.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। 2022-23 में भारत चीन में व्यापार 1.5% गिरावट के साथ 113.83 बिलियन US डॉलर का रह गया और यह दूसरे नंबर पर रहा। तीसरे नंबर पर UAE का स्थान है। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? इन विच सिटी वाज द 100th मीटिंग ऑफ द G20 वर्किंग ग्रुप हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। 100वीं G20 की बैठक कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की मेजबानी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में 17 से 19 अप्रैल को आयोजित की गई। गोवा में दूसरे हेल्थ वर्किंग ग्रुप, हैदराबाद में दूसरे डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप और शिलांग में स्पेस इकोनॉमी लीडर प्रीकर्सर की मीटिंग भी 17 अप्रैल को आयोजित की गई। ये जो सिलसिला है मीटिंग का 16 नवंबर 2022 को G20 बाली शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपे जाने के साथ शुरू हुआ था। अध्यक्षता सौंपे जाने के बाद भारत की साल भर चलने वाली G20 अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 को शुरू हुई और 30 नवंबर 2023 तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच स्टेट हैज बीन अवार्डेड द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। खरीफ सीजन 2021 और 2022 के बीच कर्नाटक में इस योजना के तहत किसानों के नामांकन में 47.74% की वृद्धि दर्ज की गई थी। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन 2021 में 16 लाख से अधिक किसानों ने योजना के तहत नामांकन कराया था। फसल बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी, ये ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मिलिट्री एडवाइजर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, संदीप सिंह। रिटायर्ड एयर मार्शल संदीप सिंह ने जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया है, जिन्हें अक्टूबर 2022 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। संदीप सिंह जनवरी 2023 में वायुसेना के उप प्रमुख पद से रिटायर हुए थे। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के रूप में नियुक्त किया है? विच इंडियन ओरिजिन पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड बाय द US सेनेट एज द डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राधा यंग प्लम्ब। राधा वर्तमान में डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यरत हैं। सीनेट ने इनके नाम पर 68-30 के अंतर से वोटिंग की। राधा को जून 2022 में पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नॉमिनेट किया गया था। इन्होंने 2014-15 में ऊर्जा के उप सचिव के स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में भी कार्य किया था। जिन स्टूडेंट्स को 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए उसके बारे में जानकारी यहां पर दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि एम्पियन अकेडमी का पीडीएफ ही क्यों, क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। आइए पिछले 4 साल और 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं।
66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 2020 में हुआ था। कुल प्रश्न एम्पियन अकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 36। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021, क्योंकि 2021 में बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड के कारण से, तो जो सेकेंड बेस्ट एग्जाम हुआ है वो हमने लिया है। उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 31 प्रश्न टैली हुए हैं। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में एक बार तो कैंसिल हो गया था और फिर उसके बाद री एग्जाम हुआ, दोनों मिला करके 59 प्रश्न टैली हुए हैं। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 में ही 30 प्रश्न टैली हुआ है एम्पियन अकेडमी पीडीएफ से, और अभी हाल ही में 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में हुआ है और इस बार के प्रश्न बहुत ही हार्ड थे, यहाँ भी प्रश्न टैली हुआ है 23। तो दोस्तों आपने देखा 4 साल 5 एग्जाम्स कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। एम्पियन अकेडमी दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। कुल मिला करके एम्पियन अकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से इन 5 एग्जाम्स में 217 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स से संबंधित, और 179 क्वेश्चंस टैली हुआ है एम्पियन अकेडमी पीडीएफ से। तो परफॉर्मेंस क्या रहा, 82.49%, एंड दैट इज एम्पियन अकेडमी फॉर यू दोस्तों। इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स जो कि एम्पियन अकेडमी से टैली हुए हैं, इस सभी की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और हमारे एम्पियन अकेडमी के टेलीग्राम पेज पर भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इन सभी वीडियोस को देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एम्पियन अकेडमी का इस्तेमाल आप लोग इसे क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम करंट अफेयर्स पीडीएफ जो एम्पियन अकेडमी द्वारा जारी की जाती है, क्या क्या आपको मिलेगा और किस प्रकार से आप साल भर के करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं एक बार। सबसे पहला टाइप जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा वीकली करंट एमसीक्यूज नेशनल और इंटरनेशनल। साल भर में कुल 50 पीडीएफ के लगभग रहेंगे, इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड रहेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो 300 मिनट यानी 5 घंटे में आप साल भर के वीकली करंट एमसीक्यूज को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का कंटेंट है मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल का, 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप साल भर के कंटेंट को समाप्त कर सकते हैं। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसकी आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स दोनों एक ही पीडीएफ में अवेलेबल कराई गई है, 14 पीडीएफ रहेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप समाप्त कर लेंगे। इसके अलावा आपको गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है, इससे आप अपना खुद का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों करंट अफेयर्स में तो एम्पियन अकेडमी का कोई जोड़ी नहीं है मार्केट में, एम्पियन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है, इसमें आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 3000 एमसीक्यूज मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, और जो पूरा टेस्ट सीरीज है वो 25 भाग में डिवाइडेड है यानी 25 सेट मिलेंगे आपको और एक सेट में 120 प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 प्रश्न, साइंस से 30 प्रश्न एक सेट में, बिहार से 20 प्रश्न, इकोनॉमी से 10 प्रश्न, पॉलिटी से 10 प्रश्न, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न और मैथ और रीजनिंग के भी 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके आपको सभी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और पिछले साल की परफॉर्मेंस इसमें भी शानदार रही है, 25 सेट हैं दोस्तों और 24 प्रश्न टैली हुआ है, यानी हर एक टेस्ट से लगभग एक प्रश्न टैली हुआ है, और एक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। आप टेस्ट को सॉल्व कीजिए और रिजल्ट तुरंत आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है। दोस्तों ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे, यदि आपने एम्पियन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, टाइप कीजिए एम्पियन अकेडमी और इस प्रकार से एम्पियन अकेडमी का ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए, ओटीपी के साथ आप लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद स्टोर सेक्शन में वहां पे चले जाइए, आपको कोर्सेस मिल जाएंगे 69वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, दो प्रकार के कोर्सेस मिलेंगे अलग अलग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, आप जिस लैंग्वेज में ऑप्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए, वहां पर पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा, बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स के कंटेंट सेक्शन में सभी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। किस राज्य के प्रसिद्ध कंबम पनीर थ्राचाई यानी कंबम अंगूर को GI टैग प्रदान किया गया है, विच स्टेट्स फेमस कंबम पनीर थ्राचाई।
कम्बन ग्रेप्स हैज बीन ग्रांटेड GI टैग। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तमिलनाडु, तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पर स्थित कुंभम घाटी को दक्षिण भारत के अंगूरों के शहर के रूप में जाना जाता है, जहाँ पनीर थ्राचाई की खेती की जाती है। यह किस्म, जिसे मस्कट हैमबर्ग के रूप में भी जाना जाता है, अपनी त्वरित बुद्धि एवं जल्दी परिपक्वता हेतु लोकप्रिय है। साथ ही यह फसल लगभग पूरे वर्ष बाजार में उपलब्ध रहती है। पनीर अंगूर पहली बार वर्ष 1832 में एक फ्रांसीसी पुजारी द्वारा तमिलनाडु में लाए गए थे। भारत में लोकसभा चुनावों में इस्तेमाल होने वाली अमिट स्याही बनाने की अनुमति किस एक मात्र कंपनी को दिया गया है? विच वन कंपनी हैज बीन गिवन परमिशन टू मैन्युफैक्चर इनडिलाइबल इंक यूज इन लोकसभा इलेक्शन इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान मैसूर में मैसूरु पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड, जिसे पूर्व में मैसूर लाख एंड पेंट्स लिमिटेड के रूप से जाना जाता था, फिर से चर्चा में है, क्योंकि यह एकमात्र कंपनी है जिसे भारत में लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाले अमिट स्याही बनाने की अनुमति है, जिसका उपयोग चुनाव में लोगों को बार बार मतदान करने से रोकने के लिए किया जाता है। मेंढक की एक नई प्रजाति अमोलॉप्स सीजू की खोज किस राज्य में की गई है? अ न्यू स्पेसीज ऑफ फ्रॉग अमोलॉप्स सीजू हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले में सीजू गुफा से इस प्रजाति की खोज की है। एमोलॉप सीजू रेनिड मेंढकों के सबसे बड़े समूह से संबंधित है, जिसकी 70 से अधिक ज्ञात प्रजातियां पूर्वोत्तर और उत्तर भारत, नेपाल, भूटान, चीन तथा मलाया प्रायद्वीप में पाई जाती है। किस राज्य के दो तटीय जिलों केंद्रपारा और जगत सिंहपुर में पहली मैंग्रोव पिट्टा पक्षी गणना की गई है? इन विच स्टेट्स टू कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स केंद्रपाड़ा एंड जगत सिंहपुर द फर्स्ट मैंग्रोव पिट्टा बर्ड सेंसस वाज कंडक्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। मैंग्रोव पिट्टा पक्षियों की जनगणना में कुल 179 अलग अलग पक्षियों की गणना की गई है। मैंग्रोव पिट्टा पक्षी की ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के अंदर महीपुरा नदी के मुहाने के पास मैंग्रोव में सबसे अधिक सघनता पाई गई है। यह पश्चिम बंगाल के सुंदरबन सहित पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। यह प्रजाति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मैंग्रोव वनों के स्वास्थ्य का जैव संकेतक है, जो तटीय क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने पूरे देश में लगभग कितने किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल यानी OFC के बुनियादी ढांचे विकसित करने की घोषणा की है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI हैज अनाउंस टू डेवलप अबाउट हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 10,000 किलोमीटर। NHAI की योजना संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2023 तक सभी के लिए सुरक्षित, सस्ती और सुलभ परिवहन प्रणाली तक पहुंच प्रदान करना है। फाइबर ऑप्टिक केबल ट्यूब की तरह होते हैं, जिसमें कांच अथवा प्लास्टिक के बने तार होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द 8th इंडिया थाईलैंड डिफेंस डायलॉग ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बैंकॉक। 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता 20 अप्रैल को बैंकॉक में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव निवेदिता शुक्ला तथा थाईलैंड के रक्षा उप स्थायी सचिव जनरल नुचित श्रीबुनसोंग ने बैठक की अध्यक्षता की। भारत और थाईलैंड एक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं और रक्षा इस सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन क्रिकेटर टू बी नेम्ड विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हरमनप्रीत कौर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को वर्ष 2023 के लिए विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल, इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज बेन फॉक्स, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिचल और इंग्लिश पेसर मैथ्यू पॉट्स को चुना गया है। हरमनप्रीत ने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मुकाबले में 111 गेंद में नाबाद 143 रन बनाए थे। इसके साथ ही टीम इंडिया ने साल 1999 के बाद पहली बार इंग्लैंड में कोई वनडे सीरीज जीती थी। विजडन 2023 लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सम्मान किसे प्रदान किया गया है? Who has been awarded the Wisden 2023 leading T20 cricketer of the year? The right answer is option number D, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव
इस समय T20 क्रिकेट में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज है। इन्होंने साल 2022 में 31 मैच खेले थे और 187 से भी अधिक की शानदार स्ट्राइक रेट से 1164 रन बनाए थे, जो कैलेंडर वर्ष में अब तक का दूसरा सर्वाधिक रन है। इस दौरान इन्होंने 2 शतक और 9 अर्धशतक लगाए थे। किस कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेव लॉन्च किया है? Which company has launched the online retail sales platform Wheels on Web? The right answer is option number D, Toyota Kirloskar Motor. इसे बैंगलोर शहर के ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है। यह एक ऑनलाइन खुदरा बिक्री मंच है जो ग्राहकों को अपने घर से अपने पसंदीदा टोयोटा मॉडल की बिक्री, खरीद और डिलीवरी की सुविधा प्रदान करेगा। टोयोटा ने ग्राहकों को बुकिंग के लिए डिलीवरी तक हर फेज में व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से अपडेट मिलती रहेगी। संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई? द संगठन से समृद्धि कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गिरिराज सिंह। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने इस अभियान का शुभारंभ किया। यह सभी पात्र ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत लाकर सीमांत ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने में मदद करेगा। मंत्री ने कहा कि सरकार मौजूदा 9 से 10 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के दायरे में लाने का लक्ष्य बना रही है। बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ग्रैंड प्री 4 में महिलाओं की लंबी कूद इवेंट में प्रतियोगिता किसने जीता? हु वन द वीमेंस लॉन्ग जंप इवेंट एट द इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 हेल्ड इन बेंगलुरु? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शैली सिंह। शैली सिंह ने 6.76 मीटर की छलांग लगाई, जो अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद एक भारतीय महिला द्वारा दूसरी सर्वश्रेष्ठ छलांग है। इसके साथ ही इन्होंने एशियाई खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत 2023-24 से 2030-31 की अवधि के लिए कुल कितने रुपये मंजूर किए गए हैं? हाउ मेनी रुपीज हैव बीन सैंक्शन फॉर द पीरियड 2023-24 to 2030-31 अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 6,000 करोड़ रुपये। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 अप्रैल को 6,003.65 करोड़ की कुल लागत के साथ 2023-24 से 2030-31 तक के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध एवं विकास कार्यों को मदद मिलेगी। इस मिशन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बीज उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीज पहचान और बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करने हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? विच मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर टू एड्रेस चैलेंजेज इन सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी सीड आइडेंटिफिकेशन एंड सीड सर्टिफिकेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, साथी। यह प्रणाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तथा फार्मर्स वेलफेयर के सहयोग से उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम के साथ विकसित की गई है। साथी का फुल फॉर्म क्या है? सीड ऑथेंटिफिकेशन ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। यह पोर्टल गुणवत्ता आवश्यकता प्रणाली सुनिश्चित करेगा। जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम जल निकाय है? विच स्टेट हैज द लीस्ट नंबर ऑफ वाटर बॉडीज एज पर द फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट ऑफ वाटर बॉडीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। जल निकायों की गणना वर्ष 2017-18 के लिए 6ठी लघु सिंचाई संगणना के संयोजन में की गई थी, जिसकी रिपोर्ट अभी जारी की गई है। गणना में देश भर में कुल 24,24,540 जल निकायों की गणना की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 7.47 लाख और सिक्किम में सबसे कम मात्र 134 जल निकाय है। पश्चिम बंगाल में भी जल निकायों के मामले में शीर्ष जिला है दक्षिण 24 परगना। जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक झील है? विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेक्स एज पर द फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट ऑफ वाटर बॉडीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। रिपोर्ट में बताया गया है कि 97.1% जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में है, जबकि शहरी क्षेत्रों में केवल 2.9% है। अधिकांश जल निकाय तालाब है, पौंड है 59.5%। इसके बाद सेकेंड स्थान पर आता है टैंक 15.7% के साथ। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक है और महाराष्ट्र जल संरक्षण योजनाओं में अव्वल है। गणना किए गए जल निकायों में से 1.6% पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसमें 95.4% ग्रामीण क्षेत्रों में से है। 5 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारत की 11वीं कंपनी कौन बन गई है? हु हैज बिकम द
11th कंपनी इन इंडिया टू अचीव मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 5 लाख करोड़ रुपीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड का स्टॉक बीएससी सूचकांक पर 400 रुपये के पार चला गया है। इससे पहले देश की 10 बड़ी कंपनियों, नाम क्या है दसों का, नाम जानिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, LIC, SBI, HDFC, भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और TCS ने 5 लाख करोड़ रुपये का बाजार पूंजीकरण हासिल किया है। हाल ही में वित्त विधेयक 2023 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत तंबाकू उत्पादों पर अधिकतम उपकर 4,170 रुपये प्रति 1,000 स्टिक और 290% मूल्यानुसार निर्धारित किया गया है। हालांकि इस बदलाव से आईटीसी के सिगरेट व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की उम्मीद कम है। हाल ही में सबसे तेज 100 वनडे विकेट लेने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? हु हैज रिसेंटली क्रिएटेड ए न्यू रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट 100 ODI विकेट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संदीप लामिछाने। नेपाल के 22 वर्षीय लेग स्पिनर संदीप लामिछाने ने ACC मेंस प्रीमियर कप में ओमान के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 100 विकेट केवल 42 मैच खेलकर हासिल कर लिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड अफगानिस्तान के राशिद खान के नाम था, जिन्होंने 44 मैच खेलकर यह उपलब्धि हासिल की थी। SpaceX ने अमेरिका के टेक्सास से दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट को किस नाम से लॉन्च किया है? बाय व्हाट नेम हैज SpaceX लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट्स फ्रॉम टेक्सास, USA। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्टारशिप। स्टारशिप रॉकेट सिस्टम के इस 120 मीटर ऊंचे रॉकेट की यह पहली फुल टेस्टिंग थी। लॉन्च के कुछ देर बाद ही इसमें विस्फोट हो गया और इसकी लॉन्चिंग फेल हो गई है। SpaceX ने बताया कि टीमें डेटा की समीक्षा कर रही है, जिसके बाद अगली टेस्टिंग की दिशा में काम किया जाएगा। अज्ञात शवों की पहचान के लिए एक DNA डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रिपेयर अ DNA डेटाबेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाले सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए इस प्रकार के DNA आधारित डेटाबेस की शुरुआत की है। यह प्रक्रिया अप्रैल 2022 में शुरू की गई थी और इसके तहत अब तक अज्ञात शवों के 150 से अधिक DNA सैंपल का डेटा कलेक्ट किया जा चुका है। यह डेटाबेस शवों की पहचान में काफ़ी मदद करेगा। IPL इतिहास में सबसे कम पारी में 4,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द बैट्समैन टू स्कोर फास्टेस्ट 400 रन्स इन IPL हिस्ट्री। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, KL राहुल। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान KL राहुल ने यह उपलब्धि पंजाब किंग्स के खिलाफ लखनऊ में खेले गए एक मैच के दौरान हासिल की। राहुल ने यह कारनामा IPL की 105 पारियों में ही हासिल कर ली है। क्रिस गेल ने 112 पारियों में यह कारनामा किया था। इस मामले में तीसरे स्थान पर डेविड वार्नर और चौथे स्थान पर विराट कोहली हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि एक इनिंग में सर्वाधिक स्कोर किस क्रिकेट खिलाड़ी ने बनाया है। भारत में एप्पल का पहला रिटेल स्टोर किस शहर में खोला गया है? इन विच सिटी वाज द फर्स्ट रिटेल स्टोर ऑफ एप्पल ओपन्ड इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। आईफोन निर्माता एप्पल के CEO टिम कुक ने 18 अप्रैल को भारत में अपने पहले एप्पल स्टोर की शुरुआत कर दी है। यह रिटेल आउटलेट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित रिलायंस जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है। इस स्टोर का नाम क्या दिया गया है? एप्पल BKC, यानी एप्पल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। किस देश में स्थित निंगालू क्षेत्र को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है? अनिंगालू रीजन लोकेटेड इन विच कंट्री हैज ऑल्सो बीन डेजिग्नेटेड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। न्यूज़ में क्यों है, 20 अप्रैल 2023 को निंगालू ग्रहण देखा गया था। यह एक दुर्लभ संकर सूर्य ग्रहण यानी हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स है, जो पृथ्वी सतह की वक्रता और वलयाकार सूर्य ग्रहण के पूर्ण सूर्य ग्रहण में परिवर्तन के कारण होता है। यह इससे पूर्व वर्ष 2023 में देखा गया था तथा अगली बार वर्ष 2031 में दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया, तिमोर लेस्ते और इंडोनेशिया में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दिया था। यह भारत में नहीं देखा गया था। इसकी विशिष्टता ऐसी है कि इसे पहले से ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के एक हिस्से निंगालू के रूप में नामित किया गया है, जहां से ग्रहण सबसे अधिक बार देखा गया था। सूर्य ग्रहण कैसे होता है? बीच में चंद्रमा आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के। हुरुन द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार यूनिकॉर्न की कुल संख्या में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स एज पर
ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 रिलीज बाय हुरूम। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर पी। तीसरा स्थान, एक यूनिकॉर्न किसी भी निजी स्वामित्व वाली फर्म है जिसका बाजार पूंजीकरण $1 बिलियन से अधिक है। अमेरिका और चीन के बाद भारत यूनिकॉर्न की संख्या में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना हुआ है। USA है नंबर वन पे, 666 यूनिकॉर्न है यहाँ पे। चाइना में 316 दूसरे स्थान पर और भारत में 68 तीसरे स्थान पर है। हालांकि हुरूम ग्लोबल 500 कंपनियों में भारत 5वें स्थान पर है। और इंडिया में टॉप 5 यूनिकॉर्न्स कौन से हैं? नंबर वन पे है बायजूस $22 बिलियन के साथ। सेकेंड नंबर पर है ड्रीम इलेवन और तीसरे नंबर पर स्विगी। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा सिखाने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया है? इंडियन आर्मी हैज टाइड अप विद विच यूनिवर्सिटी टू टीच चाइनीज लैंग्वेज टू मिलिट्री पर्सनल। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तेजपुर विश्वविद्यालय। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि भारतीय सैनिकों को चीनी समकक्षों के साथ उन्हीं की भाषा में बात करने के लिए चीनी भाषा सिखाई जाएगी। उन्हें इन हाउस मांदरिन भाषा, जो कि चीनी भाषा का नाम है, में निपुण बनाने के लिए 19 अप्रैल 2023 को सेना और तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अलग अलग एम्पियन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। दोस्तों, इन PDF के सारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने समय को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने भारत की विमानन सुरक्षा निरीक्षण के लिए किस श्रेणी का दर्जा बरकरार रखा है? द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA has retained which category status for India's aviation safety oversight? The right answer is option number A, श्रेणी 1, category 1। अपने अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत FAA अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO द्वारा स्थापित सुरक्षा मानकों के साथ देश के अनुपालन का मूल्यांकन करता है। इंडिया की रैंक 2018 में कितनी थी? 102, और अभी 2022 में रैंक कितनी आई है? 48। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।